हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज ब्लूटूथ डिवाइस नेम इन सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। तो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के अंदर फ्रेंड्स किस तरीके से ब्लूटूथ डिवाइस नेम को चेंज कर सकते हैं, आज इस नए वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सिंपली क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करता हूँ अपने डिवाइस नेम को चेंज करने के लिए। ब्लूटूथ के डिवाइस नेम को चेंज करने यहाँ पे कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपको ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं, मेरा यहाँ पे डिवाइस नेम F12 करके मेरा सेट है, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से सेट है, इसलिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स चेंज कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ से बैक आना होगा। बैक आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपआउट फोन में क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे, जो कि F12 मेरा है, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सैमसंग टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग मैं यहाँ से सैमसंग टाइप कर दे, यहाँ पे फ्रेंड मैं प्रो लिख देता हूँ और मैं डन पे क्लिक करूँगा, मेरा है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे दोबारा मैं कनेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लूटूथ पे क्लिक करके देखता हूँ, सैमसंग प्रो मेरा आ चुका है। इसी फ्रेंड डिवाइस नेम को चेंज हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।